स्टैंड टाइम राहुल सर, यू मैट टीचर फ्रॉम सीरम अकेडमी हाई स्कूल सतना, एंड टूडेज टॉपिक लाइन्स एंड एंगल्स एक्सरसाइज 5.1 क्लास 7 में हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट में देखिए दिया क्या है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। और मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की डेफिनेशन भी बताई है, द सम ऑफ टू एंगल्स इज 190 डिग्री। द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, मतलब टू एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है। तो आपके पास फर्स्ट में देखिए यहाँ पे 20 डिग्री दिया हुआ है, सेकेंड की बात करते हैं तो 60 डिग्री दिया हुआ है, अगर हम थर्ड की बात करते हैं तो इसमें 57 दिया हुआ है। तो आपको ये तो पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में टू एंगल्स का सम होता है, बट यहाँ पे तो वन एंगल दिया है, तो अदर एंगल्स आपको सेकेंड एंगल आपको फाइंड करना पड़ेगा। कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, वी नो डैट द सम ऑफ द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज 90 डिग्री, मतलब ये हमें पता है कि टू एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो फर्स्ट में तो एंगल्स क्या दिया है, फर्स्ट में अगर आप डायग्राम की बात करेंगे यहाँ पे, तो फर्स्ट में दिया है 20 डिग्री, तो हमने यहाँ पे राइट कर दिया 20 डिग्री। अब हमको कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है, अदर एक एंगल निकालना है, तो हम लिख सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री इक्वल 90 माइनस 20 डिग्री, मतलब आप 90 में 20 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो अदर आपको एंगल मिल जाएगा, वो क्या है 70 डिग्री। सब्ट्रैक्ट करके हमने बता दिया। नेक्स्ट, अब यहाँ पे दिया है 60 डिग्री, फर्स्ट एंगल दिया है 60 डिग्री, सेकेंड एंगल भी होना चाहिए, तो सेकेंड एंगल कैसे होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट एंगल 63 है, तो कॉम्प्लीमेंट्री के लिए 90 को आप 63 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 27 आ जाएगा, तो अदर एंगल क्या हो जाएगा 27। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है थर्ड नंबर में 57, फर्स्ट एंगल हमारे पास 57 है, कॉम्प्लीमेंट्री हमको एक और अदर एंगल निकालना है, 90 को हम 57 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या आ जाएगा 33। तो अब कॉम्प्लीमेंट्री में हमें पता चल गया है कि फर्स्ट एंगल 20 है एंड सेकेंड एंगल क्या है 70 है। अब आप ये दोनों को सम करेंगे तो इनका सम आएगा 90। नेक्स्ट, फर्स्ट नंबर 63 एंड सेकेंड नंबर 27, अब आप ये दोनों को ऐड करेंगे फिर भी आएगा 90, बट हमको ऐड नहीं करना है, वो आप ओरली ही कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ये तो कॉम्प्लीमेंट्री कम्प्लीट हो गया, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री के बारे में आपको नॉलेज भी होगा, द सम ऑफ टू एंगल्स इज अ 180 डिग्री, मीन्स टू एंगल्स का सम यहाँ पे दिया है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, आपको इनके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है। फर्स्ट में दिया है 105, सेकेंड में 87, थर्ड में गिवन है 154, तो इनके अदर जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे वो आपको बताना है। तो देखिए, वी नो डैट द सम ऑफ द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल्स इज, यहाँ पे इज है, यहाँ पे इज 180 डिग्री, मीन्स द सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो फर्स्ट एंगल हमारे पास दिया है 105, तो सेकेंड निकालने के लिए, सप्लीमेंट करने के लिए क्या करेंगे, 180 को 105 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें सेकेंड एंगल पता चल जाएगा। तो नेक्स्ट ऐसे अगर हम 87 के लिए भी करेंगे, 87 के लिए भी अगर हम सप्लीमेंट्री करेंगे, तो 180 माइनस 87 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो नेक्स्ट एंगल हमें यहाँ पे पता चल जाएगा। ऐसे और भी एंगल्स हैं, फर्स्ट एंगल 157 है, तो 180 को 154 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 26। ऐसे थे कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स के क्वेश्चन। अब नेक्स्ट, उसके बाद हमें और भी हम देख लेते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या करना है हमें। बहुत इजी ये क्वेश्चन है, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि अभी आप ये स्टार्टिंग पढ़ रहे हैं, तो स्टार्टिंग में जितने भी ये क्वेश्चन अभी आपके इजी हैं। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री, मतलब अभी हमने जो इसके पहले जो ट्राई डीज में जो क्वेश्चन पढ़े थे, कौन से पेयर आपके सप्लीमेंट्री हैं एंड आपके कौन से पेयर कॉम्प्लीमेंट्री हैं, दिया हुआ है कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री, आपको बताना है कौन से एंगल आपके कॉम्प्लीमेंट्री हैं एंड कौन से एंगल आपके सप्लीमेंट्री, उनके पेयर कौन से हैं। तो अगर हम ये दोनों एंगल्स को सम करके देखेंगे तो इनका सम क्या आ रहा है, अगर 180 आ रहा है तो हमें पता चल जाएगा, अगर 180 आ रहा है तो उसको हम सप्लीमेंट्री एंगल बोल सकते हैं, अगर हम इनको सम कर रहे हैं, अगर इनका सम 90 आ रहा है तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोल सकते हैं। तो ऐसे हमको करना है, दिया भी हुआ है 65 115, ये सब नंबर दिए हुए हैं, पेयर दिए हुए हैं, उसमें से आपको बताना है कौन से कॉम्प्लीमेंट्री हैं सप्लीमेंट्री हैं, ये आपको बताना है। तो हमें देखिए एक चीज़ क्या पता है, वी नो डैट द सम ऑफ द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 90 डिग्री, मतलब टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है, एंड डैट इज सप्लीमेंट्री एंगल्स इज 180 एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम 180 होता है।
हम चेक कर लेते हैं कौन से नंबर आपके कॉम्प्लीमेंट्री हैं सप्लीमेंट्री हैं। 65 एंड 115 को आप सम करेंगे तो 108 आ रहा है, तो 108 का मतलब क्या हुआ, दीस एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब 180 आ रहा है सम करने में, तो ये क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है। नेक्स्ट अगर हम ये सेकेंड टू एंगल्स को अगर सम करेंगे तो क्या आ रहा है, 90 आ रहा है, 90 मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। नेक्स्ट ऐसे थर्ड में भी हम सम कर लेंगे तो सम करने में क्या आएगा, 180 आ रहा है, 180 मतलब सप्लीमेंट्री एंगल। बहुत इजी है क्वेश्चन ये, आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री की डेफिनेशन अगर बन रही है तो आप इसको बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए 130 एंड 50 को सम करेंगे तो 180, तो 180 क्या होता है, द सम ऑफ टू एंगल्स के सम 180 आते हैं, तो उनको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। अब ये मान में मत ले आइएगा कि सर हम अगर इनको हम लीनियर पेयर भी तो बोलते हैं, तो यहाँ पे लीनियर पेयर का ऑप्शन नहीं दिया है, ओनली कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री का दिया है, तो हम वही बताएंगे, उसके अदर नहीं बताएंगे। नेक्स्ट देख लीजिए 45 एंड 45, एक चीज़ आपको अच्छी यहाँ पे मिल गई समझने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बाद, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में अगर आप 45 और 45, मतलब ये टू एंगल्स क्या हैं, दोनों इक्वल हैं, और इनको अगर आप सम करेंगे तो 90 आ रहा है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आपके भी आपके क्वेश्चन में पूछे जाएंगे कि आपको टू एंगल्स बताना है, कौन से वो टू एंगल्स हैं जिनका आप सम करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री आएगा। और ऐसे और भी बोल रहे थे कि आपकी आप टू एंगल्स आप बताइए कौन से वो टू एंगल्स हैं जो इक्वल हैं और उनका सम आता है सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो पता होना चाहिए 45 और 45 को आप जब सम करेंगे तो 90 आएगा, दोनों एंगल्स इक्वल हैं, और जब 90 आता है तो उसको आप बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। सेम ऐसे अगर हम 180 की बात करेंगे तो 180 में इक्वल एंगल्स कौन से हो जाएंगे, 90 और 90, इनको आप सम करेंगे तो 180 आएगा, तो टू एंगल्स का सम जब 90 180 आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट अब हम इसके बाद और भी पढ़ लेते हैं, फोर्थ नंबर में देखिए आ भी गया, मैं जिसकी बात कर बता रहा था आपको, फाइंड द एंगल्स विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, आपको वो टू एंगल्स बताने हैं जो इक्वल हैं और उनका सम आना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब 90 आना चाहिए, तो लेट द नंबर्स बी एक्स, हमने नहीं पता वो चीज़ें तो हमने एक्स ले लिया, इक्वल की बात हो रही है तो दोनों वैल्यू क्या होंगी, इक्वल ही होंगी, तो द सम ऑफ द मेजर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स 90 डिग्री, हमें पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है, तो हमने ये फर्स्ट एंगल और सेकेंड एंगल्स को सम कर दिया, 90 आ गया, एक्स प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x, 2 को 90 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 45, मतलब हमें पता चल गया कौन से टू एंगल्स हैं, 45 और 45, ये दोनों एंगल्स दोनों इक्वल हैं और इनको हम सम करेंगे तो क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री आएगा, मतलब 90 डिग्री आएगा, इसके पहले मैं आपको जो मैं बता रहा था, तो यहाँ पे क्या आपको सॉल्व करके बता दिया गया, तो आप सॉल्व करके भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है फाइंड करना है तो आपको फाइंड करके बताना पड़ेगा, ओरल से काम नहीं होगा यहाँ पे कि आप ओरल बता दीजिए 45 45 आंसर आ जाएगा, आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ फिफ्थ नंबर में, तो फिफ्थ नंबर में देखिए क्या है वो भी आपको बता देता हूँ, इसमें दिया है फाइंड द एंगल्स विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट, मतलब इक्वल होनी चाहिए, टू एंगल्स इक्वल होनी चाहिए बट उनका सम सप्लीमेंट्री एंगल्स आना चाहिए, तो हमें नहीं पता है तो हमने एक्स ले लिया, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या हो गए, एक्स हो गए, दिस एंगल मतलब टू एंगल्स हो जाएंगे सप्लीमेंट्री एक्स, तो सम करेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स का तो सम आएगा 180 डिग्री, टू एंगल्स कौन से हैं, एक्स एक्स हैं, हमें नहीं पता है, इक्वल होनी चाहिए इसलिए दोनों को हमने इक्वल ले लिया, अब x प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x, 2 को आप डिवाइड कर दीजिए, मतलब इसको आप डिवाइड कर देंगे कैसे, 2x इक्वल है ये 180, 2 को आप अपॉन में लाएंगे तो x इक्वल क्या हो जाएगा 180 बाय 2, 2 को आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 90, तो ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो आपकी बुक में है, जो आपको अभी मैं एक्सप्लेन किया हूँ, वो आपको क्या करना है, प्रॉपर सॉल्व करना है, आपसे बनना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री अगर सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात हो रही है तो उसकी डेफिनेशन आपसे क्लियर होनी चाहिए, जिससे आपके लिए क्या हो, ये बहुत इजी होगा, तो रिमेनिंग क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है जो मैं नहीं बताया हूँ। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।